हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गेमिंग पैशन। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रिव्यू और गेम प्ले इस वायर्ड यूएसबी वायर्ड गेम पैड के बारे में। देखिए, और हमारे पास एक और है रेड गियर का वायरलेस गेम पैड। तो इन दोनों के बारे में गेम प्ले और रिव्यू हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए, चलिए सबसे पहले हम लोग वायर्ड वाले से शुरू करते हैं। तो इस वायर वाले को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यूएसबी केबल से। इसमें यूएसबी केबल काफ़ी लंबा दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। गेम स्टार्ट हो गया है और अब मुझे बटन अपना स्क्रीन को टच करने की ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है, सारा काम यहीं से हो जा रहा है। तो यहाँ पे रेस हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि आपका मैं सबसे फर्स्ट टाइम में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको मेन्यू में जा करके आगे अपने कंट्रोल ऑप्शंस में जाना होगा। फिर कंट्रोल में जा करके आपको क्लिक करना होगा और अपना यहाँ पर कीबोर्ड के बगल में जो एरो साइन है इस पर क्लिक करना होगा ताकि दूसरा चीज़ चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए, जेनेरिक यूएसबी जॉयपैड लिखा हुआ, जॉयस्टिक लिखा हुआ, इससे मैं अपना कंट्रोल्स चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल्स पहले से कन्फिगर कर लिए हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार कन्फिगर करके दिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। तो आइए, चलिए अब हम आपको रेस करके दिखाते हैं। तो ये था हमारा गेम प्ले इस यूएसबी की पैड के साथ। तो इसमें आपको मैं रिव्यू लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, आगे आप देखते रहें। अब मैं आपको वायरलेस वाले गेम पैड के साथ खेलकर दिखाने वाला हूं, जो कि यहां पर ये वाला है। इसे हम कनेक्ट करते हैं यूएसबी डोंगल के साथ, जो आपको इसके साथ फ्री मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे इंस्टॉल करने के लिए ऐप को बंद करना होगा। इसको बंद कर दिया मैंने और फिर यूएसबी डोंगल को मैं लगा रहा हूँ। यूएसबी पोर्ट में आप कहीं भी लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया है और फिर इसे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब गेम को स्टार्ट करते हैं। तो जब ये गेम स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम रेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये रेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। कंट्रोल्स को कॉन्फ़िगर करना होगा, तो इसलिए कंट्रोल्स में पहले कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया सारे के सारे बटन्स। अब हम आप लोग को रेस करके दिखाएंगे।
तो आपने देखा मैंने ये लैप कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में रिव्यू। तो जैसा कि आपने अभी देखा मैंने रेस किया और मुझे आसपास भी कोई पहुंच नहीं पाया एक बार भी। काफ़ी अच्छा रेस था ये, और रिस्पॉन्स जो इस बटन्स के हैं बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। ये जॉयस्टिक जो है बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, बटन्स जितना भी मैंने यूज़ किया बहुत अच्छा कंट्रोल काम करता है, बहुत ही प्रिसाइज है। आप सोचते होंगे वायरलेस होने की वजह से शायद ये ठीक से काम करे या ना करे, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे ही मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है देखने को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिव बटन्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर ये बटन्स है, लेफ्ट ट्रिगर, राइट ट्रिगर, ये सब है। और ये तो आपको बहुत अच्छा है इसके रेट के हिसाब से अगर आप कंसीडर करें तो। और फिर एक और चीज़ है यहाँ पर, दूसरा वायर। तो अब हम इसके बारे में दिखाने वाले हैं आपको। ये जो है जॉयस्टिक, भले ही ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़े बहुत कभी कभार गेम खेलते हैं तो सस्ते में ये बढ़िया है। लेकिन इसमें आपको कुछ कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि आपको वायर्ड है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसको रखने में, वायर ख़राब होने का टेंशन है, ये सब भी प्रॉब्लम होता है। और साथ ही साथ इसमें जो बटन्स दिए हुए हैं ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से हम लोग सोचते हैं कि इसे कम फंक्शनिंग करेंगे। गेम खेल के मैंने देखा बटन्स के थ्रू, वो बटन्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं अगर रेटिंग दूंगा इसे तो 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। एवरेज है, ठीक है, बट अगर आप अच्छे गेम अच्छे लेवल के प्लेयर हैं तो ये आपको सूट नहीं करेगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इस रेंज के जो होते हैं यूएसबी वाले, वायर्ड वाले, इन्हें खरीदना कुछ खास नहीं रहेगा। इसे खरीदने से अच्छा है वायरलेस खरीदें आप, थोड़े पैसे लगेंगे बट बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू, दिस इज़ गेमिंग पैशन।